आभूषण जैसे लक्ष्मी के हाथों में कंगन, पैरों में पायल, कानों में बताए, फिर नारायण को भी क्यों बताया? लक्ष्मी नारायण कंबाइंड रूप विष्णु कहा जाता है ना, विष्णु का जितना तामझाम है वो सारा तामझाम लक्ष्मी नारायण को बांट दिया है। देखो दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु है। बालाजी हनुमान की छाती से पानी निकलता है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? बाला माने क्या होता है? बच्चा। ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का पार्ट किसका है और बच्चे का पार्ट किसका प्रसिद्ध है? है राम बाप कहा जाता है और कृष्ण बच्चा कहा जाता है। तो कृष्ण वाली आत्मा राम बाप के दिल में समाई हुई है। जैसे कहते हैं कि बच्चा तो दिल का टुकड़ा होता है, तो ऐसे ही बच्चा कृष्ण है रचना और राम बाप है रचयिता। हृदय में दिखाया गया है भक्ति मार्ग में। हनुमान जी छाती चीर के दिखाते हैं कि मेरे दिल में कौन बसा हुआ है। बच्चे के दिल में बाप बसा हुआ है और बाप के दिल में बच्चा बसा हुआ है। और फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी अंग्रेजी शब्द होते हैं, उसमें एक शब्द है फिलॉसफी, फिलॉसफर। जो मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं उनको कहा जाता है फिलॉसफर। मनन चिंतन मंथन में उनकी बुद्धि लगी रहती है, मंथन करने से नई नई बातें निकलती हैं। फिलॉसफी में जो पास होते हैं उनको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि दी जाती है। माना मनन चिंतन मंथन करके उन्होंने कुछ नई बातों का आविष्कार किया, नई बातें निकाली। उनके उस कार्य को कहा जाता है फिलॉसफी। अष्टदेव जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे, ऐसे अव्यक्तवाणी में बोला। तो दो मड़के तो प्रत्यक्ष हो गए, बाकी जो मड़के हैं वो कब प्रत्यक्ष होंगे? तो दो मड़के कब से प्रत्यक्ष हुए? साल हो गए है? दो मड़कों को प्रत्यक्ष होने में कितने साल लगे?
चारों युगों की शूटिंग एडवांस के अनुसार कब पूरी हुई? तो जब शूटिंग पूरी हुई उसी समय से अष्टदेवों की प्रत्यक्षता शुरू हुई। अव्यक्तवाणी में उसी समय बोला गया कि बाप दादा तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात देते हैं। पूछा तो नई दुनिया में आना जाना करते हो ना? प्रैक्टिकल में भी आना जाना करते होंगे, सपोर्ट करने वाले बुद्धि से आना जाना करते होंगे। उसी समय से इशारा देना शुरू कर दिया तो अष्टदेवों में से जो पहला देवता है, जहां से सूर्य उदय होता है, ईशान कोण, उत्तर और पूर्व का कोना, महादेव कहा जाता है। ईशान कोण से ईश्वर की प्रत्यक्षता मानी जाती है। उसका स्थान त्रिमूर्ति में भी है। तो त्रिमूर्ति में ऊंचे से ऊंची के कोटि की जो आत्माएं हैं वो आठ हैं। तो एक तो पहले से ही प्रत्यक्ष है और दूसरे की प्रत्यक्षता होती है चारों युगों की शूटिंग का नजारा सामने आने के बाद। कितने साल हो गए? 2004 के बाद 2010 चल रहा है। कितने साल हुए है? 5 साल है। 5-6 साल में एक मन का प्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि एक ही प्रत्यक्षता तो त्रिमूर्ति में पहले से ही हो गई। तो बाकी कितने रह गए? 6। उनके लिए बोला जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे। टाइम निकल गया कि अभी है? 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 है अभी, क्योंकि जब तक अष्टदेव नहीं होंगे, लाल आत्माओं का संगठन इकट्ठा नहीं होगा, तब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती। और स्थापना नहीं होगी तो भगवान बाप भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। स्थापना नहीं होगी, अष्टदेव जो पालना और स्थापना के निमित्त हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होंगे, तो नष्टदेव भी प्रत्यक्ष नहीं होंगे। क्योंकि नियम है पहले स्थापना बाद में विनाश। और टाइम कब तक मुदा हुआ है? अष्टदेवों की प्रत्यक्षता का टाइम मुदा हुआ है या नहीं है? नहीं मुदा हुआ है? नियम है फादर सो सन्स और सन्स हो फादर। कौन ज्यादा पावरफुल है? है बाप ज्यादा पावरफुल है?
तो पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, बाद में बाप प्रत्यक्ष होगा, या बाप पहले प्रत्यक्ष होगा और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाएंगे? क्या पहले होगा? है सत्युल, बच्चे बाप को पहले प्रत्यक्ष करेंगे? बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। तो बाप की प्रत्यक्षता का टाइम मुदा हुआ है या नहीं है? इससे पहले बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। प्रश्न खत्म हो जाता है कि कब तक प्रत्यक्षता होगी। स्त्री पुरुष की बात नहीं है, बात है आत्मिक स्थिति की। जो आत्मिक स्थिति में पहले पहले पक्के हो जावेंगे वो अष्टदेव की लिस्ट में आवेंगे। वो आठ आत्माएं ऐसी आत्माएं हैं जो नई दुनिया की एकदम आदि में प्रत्यक्ष होती है। उनमें से अगर एक आत्मा भी रह जाएगी तो नई दुनिया की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। प्रश्न आया है धर्मराज के यहां, मुख्य अधिकारी कौन होता है? अरे किसी को नहीं मालूम है, चित्रगुप्त। नाम क्या दिया? क्या गुप्त? चित्रगुप्त। उसका जो चित्र है वो गुप्त रखा जाता है। उसके पास सब के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। आज के जो ब्राह्मणों की दुनिया है, चाहे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया है, चाहे एडवांस के ब्राह्मणों की दुनिया है, ज्यादा लेखा जोखा किस बात का रखा जाता है? धर्म की बातों का, अर्थ की बातों का, कामना की बातों का, या मोक्ष की बातों का? प्रैक्टिकल में लेखा जोखा इन चार में से किसका ज्यादा रखते हैं आज की दुनिया में? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ब्राह्मण की जो वर्तमान दुनिया चल रही है उसका भी आधार अभी सबकी बुद्धि में अर्थ ही है, और अर्थ के ही पीछे ही परसेंटेज में ज्यादा ब्राह्मण पड़े हुए हैं। अर्थ को सेवा का आधार समझ रखा है। जबकि बाप ने बताया है सेवा निराधार होनी चाहिए, तुम धरती के सितारे, चैतन्य सितारे, निराधार चमकने वाले सितारे,
राजाएं किसी का आधार लेते हैं या निराधार होते हैं? निराधार होते हैं। राजा को किसी के आधार की आवश्यकता नहीं। इनको निराधार सितारा बनना है। तो देखा जोखा करने वाला कोई होगा या नहीं होगा निमित्त में? जो लेखा जोखा रखने वाले होंगे उनमें धर्मराज का कोई एक निमित्त होगा या सब निमित्त होंगे? एक परसेंटेज में ज्यादा होगा और दूसरे नंबर वाले। तो जिसके पास ज्यादा हिसाब किताब का लेखा जोखा होगा और लंबे समय का लेखा जोखा होगा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पूछा है क्या कंपिल में भट्टी करने वाले ही सूर्यवंशी बनेंगे? फरक्काबाद में भट्टी करने वाले सूर्यवंशी नहीं बनेंगे? ऐसा कोई इशारा मुरली में आया है क्या? है? नहीं, मुरली में कंपिल का नाम लिया गया है या फरक्काबाद का नाम लिया गया है? फरक्काबाद का तो नाम लिया गया है। हाँ, थोड़ा इशारा दिया है फरक्काबाद की तरफ। माने किस तरफ? पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, ये क्लियर नहीं किया गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कंपिल में भट्टी करने वाले ही सूर्यवंशी बनेंगे। या फरक्काबाद में भट्टी करने वाले ही सूर्यवंशी बनेंगे? हाँ, ये जरूर कहा कि फरक्काबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। जैसे नेहरू जी थे तो नेहरू जी ने जिंदगी में रहते रहते कौन सा प्रदेश है जहां से सारे चुनाव जीते? उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद। इलाहाबाद का हद का अर्थ कुछ भी हो, अंग्रेजों ने नाम रखा, लेकिन हिंदी में अर्थ है ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाने वाले का बाद। वाद माने मत। जहां से उसका मत निकलता है तो अल्लाहाबाद नाम हुआ। तो नेहरू जी की मान्यता कहां हुई ज्यादा? इलाहाबाद। ऐसे ही फरक्काबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। उनसे पूछो वो मालिक साकार है या निराकार। भारतवर्ष में इतने शहर हैं, इतने कस्बे हैं, टाउन्स हैं, उनमें फरक्काबाद का ही नाम क्यों लिया? किसी दूसरे शहर का नाम क्यों नहीं लिया मालिक के अर्थ में? क्योंकि इशारा दिया कि
कि वो मालिक बनने वाला व्यक्तित्व तो परुपावास से प्रत्यक्ष होता है। तो जहां से उसकी प्रत्यक्षता होगी और जब वहां के लोगों को पता चलेगा कि सारी दुनिया का मालिक तो यहां ही बैठा हुआ था और हमने हमेशा उसकी ग्लानी की, तो वो फॉलोअर बन जावेंगे या नहीं बन जावेंगे? बन जावेंगे। जैसे बोला, तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बेसिक वालों को नहीं कहा, दुनिया वालों को नहीं कहा, तुम बच्चों का पूरा परिवार। क्यों? क्योंकि अभी हमें एडवांस में चलने वाले बच्चों का पूरा परिवार विरोध कर रहा है। लास्ट में जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो उनके अंदर ये स्वाभिमान जागेगा कि मेरे परिवार के खून से निकला हुआ एक व्यक्ति भगवान के नजदीक है। तो भगवान को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो संख्या ज्यादा हो सकती है फरुखाबादियों की, बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि फरुखाबाद के लोग या कंपिल के लोग ही सूर्यवंशी बनेंगे। दक्षिण भारत में पैदा होने वाले कोई भी सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। ऐसा अज्ञान नहीं धारण करना है। आया है उज्जैन में भगवान शंकर को मनुष्य की भस्मी क्यों चढ़ाते हैं? जो ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल होता है, भक्ति मार्ग में उसका जड़त्व में यादगार मनाया जाता है। ज्ञान मार्ग में भगवान शंकर ने अपने तन को, मन को, धन को, समय को, संपर्क को, संबंधियों को स्मृति से भुलाया है, एक बाप को याद किया है, अर्थात सब प्रकार का देहभान भस्म किया है। तो भक्ति मार्ग में यादगार मनाते हैं। उन्होंने देहभान को भस्म बनाया, भक्ति मार्ग में शरीर खत्म हो जाता है तो उसकी भस्म को लेकर भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। जैसे राजनीति में हुआ, नेहरू जी मर गए, शरीर छोड़ गए, तो उनकी चिता की भस्म को सारे भारतवर्ष में फैला दिया गया। तो भक्ति मार्ग में स्थूल बातें हैं, ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल चैतन्य बातें। अगला प्रश्न है, एकादशी को ग्यारस को चावल क्यों नहीं खाते हैं? है? क्या कारण है?
चावल माने क्या? आत्मा। जिसका देहभान का छिलका उतार दिया जाता है उसको कहते हैं चावल। टीका लगाते हैं तो स्मृति के रूप में चावल लगाते हैं, अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहे, आत्मिक स्वरूप की याद आए। अपनी आत्मा को याद करें तो भी चावल के रूप में, और दूसरी आत्माओं को देखें तो भी चावल के रूप में। देह को न देखें, छिलके को न देखें। तो ऐसी आत्मिक स्थिति में धारण होने, धारण करने की प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तित्व को भोग नहीं करना चाहिए। ऐसे तपस्वी का अगर भोग करते हैं, देह का सुख लेते हैं, तो 100 गुना पाप चढ़ जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में उन्होंने चावल ही खाना बंद कर दिया। वास्तव में चावल खाने की बात नहीं है, चावल अर्थात आत्मिक स्थिति में होने का अभ्यास करने वालों की बात है। उनकी देह की सेवा ईश्वरीय सेवा में लगनी चाहिए, विश्व कल्याण में लगनी चाहिए। तन की सेवा, उसके तन का भोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे तपस्वी का भोग कोई करता है तो उसके ऊपर 100 गुना देहभान का बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए बहुत अनिष्ट मानते हैं। तो एकादशी के दिन चावल नहीं खावेंगे, चावल की बात नहीं है, तो चावल की बात है, आत्मा रूपी चावल की बात है, जिसका देहभान का छिलका उतार करके याद किया जाता है। और शुरुआत में यज्ञ के आज में ज्ञान सभा के बीच में कचहरी होती थी। कचहरी में बच्चे अपना अपना पोता मेल सारी सभा के बीच में बताते थे। प्रश्न आया है कि अंत में भी ऐसे ही बता देंगे? तो ज्ञान के अनुसार सीधी सी बात है, जो आदि में हुआ तो अंत में भी होगा। आदि में छोटे रूप में हुआ है और अंत में बड़े रूप में होगा। अभी तक भी बच्चों की बुद्धि में पूरा पूरा नहीं बैठा है कि सच्चा सच्चा पोता मिल देने से क्या होता है। बाप ने तो बता दिया सच्चे दिल पर साहब राजी, सत्य बातें बता करके सत्युग की स्थापना।
करते हैं और ये भी वार्निंग देते हैं कि अंत में किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह जाएगा। जितना छुपाना चाहेंगे उतना भरी सभा के मैदान में सबके सामने प्रत्यक्ष होगा। तो जिन बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठती जाएगी, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, रियलाइज करते जाएंगे, तो कोटा मिल देने वालों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। लिख लिख करके देना और एक एक कोटा मेल को पढ़ना, इसमें तो बहुत टाइम जाता है। ये बड़ी सभा में मैदान में सबके सामने बताना शुरू कर देंगे, बाद में टाइम ही नहीं रहेगा। इसलिए बोला जो आज में हुआ तो अंत में भी होगा। कन्याओं की ढाल होती हैं, कन्या है तलवार और माताएं हैं ढाल। ऐसा क्यों कहा है? तलवार की धार तीखी होती है और ढाल होती है, ढाल मोटी चमड़ी की होती है, गेंडे की खाल से ढाल बनाई जाती है। माताओं की बुद्धि घर परिवार को चलाने में, बाल बच्चों को जन्म देने में, उनकी पालना करने में सारी बुद्धि खप जाती है। उसको ढाल की मिसाल दिया है और कन्याएं पवित्र होती है, पवित्र बुद्धि में ज्ञान ज्यादा टिकता है, ज्ञान की धार तीखी हो जाती है। लेकिन अगर तलवार की सुरक्षा ढाल नहीं करेगी तो तलवार फेल हो जाएगी या पास हो जाएगी? है? फेल हो जाएगी। इसलिए तलवार को इस हिसाब से माता का सम्मान करना चाहिए लेकिन प्रश्न आया है कि माताएं तो कन्याओं की ढाल होती हैं, परंतु माताएं अगर अपने कर्तव्य को निभाते हुए कुछ आत्माओं के नाराज होने की निमित्त बन जाए तो क्या माताओं के ऊपर बोझ आ सकता है?
माताएं अगर ढाल का कर्तव्य निभाती हैं और इस कर्तव्य के कारण कोई आत्मा नाराज हो जाए, तो नाराज होने वाले अज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं? अज्ञानी है। अज्ञानियों की परवाह करनी चाहिए या ज्ञानियों की परवाह करनी चाहिए? अज्ञानियों की परवाह करेंगे तो लोकलाज में दब जावेंगे। बाबा ने तो बोल दिया लौकिक संबंधी तो अज्ञानी है, अज्ञानियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। नाराज तो होंगे ही, होते हैं तो होने दो। हम भगवान के डायरेक्शन को क्यों भूल जाएं? हाँ इतना जरूर है कि माताओं की बुद्ध रूपी हाथ वो ढाल चमड़ी थोड़ी मोटी होती है, कोई डायरेक्शन को पूरा समझ नहीं पाती है। न समझ पाने के कारण कुछ उल्टा पुल्टा करे वो बात दूसरी। बाकी कन्या रूपी तलवारों को ढाल का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ढाल एक हाथ में पकड़ी जाती है और तलवार तलवार दूसरे हाथ में पकड़ी जाती है। राइट हैंड में तलवार पकड़ी जाती है और लेफ्ट हैंड में ढाल पकड़ी जाती है। ये ध्यान देने की बात है। खास करके तब जबकि भगवान का कंबाइंड रूप ब्राह्मणों की दुनिया के सामने होता है। ब्राह्मणों की दुनिया ही उस रूप को पहचानती है। उस रूप का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में एक आत्मा नारी के रूप में हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली है और एक आत्मा हीरो के रूप में पार्ट बजाने वाली है। सुप्रीम सोल न हीरो बनता है और न हीरोइन बनता है। तो राइट हैंड कौन हुआ और लेफ्ट हैंड कौन हुआ है? है? कौन है राइट हैंड? बाप आते हैं, प्रवेश करते हैं, एक राइट हैंड बनता है एक लेफ्ट हैंड बनता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा हुआ है, पीछे खड़ा हुआ है। राइट हैंड में कौन है लेफ्ट हैंड में कौन है? भक्ति मार्ग में भी जब युगल जोड़ी बनती है तो राइट हैंड में कौन होता है लेफ्ट हैंड में कौन होता है?
पुरुष को राइट हैंड में रखते हैं तो पुरुष रूप में भगवान का प्रवेश होता है मुकर्रर रूप से, और लेफ्ट हैंड में मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं होता, टेम्परेरी रूप में प्रवेश होता है। तो एक है श्रीमत देने वाला, उस हाथ में तलवार रहती है, और लेफ्ट हैंड में ढाल रहती है। ढाल का अपना कर्तव्य है, तलवार का अपना कर्तव्य है। जहां तलवार को काम करना चाहिए वहां ढाल को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ऐसे अक्सर देखा जाता है कि कन्याएं जब किसी को समझाती है तो माताएं बीच में इंटरफियर कर करके बोलती रहती है। ये अच्छी बात है, खराब बात है? ये ठीक बात नहीं है। ढाल को उस समय काम करना है जहां तलवार के ऊपर आंच आती हो। तलवार के ऊपर आक्रमण होता हो तलवार का भी कर्तव्य है कि दुश्मन के ऊपर वार करे, ढाल के ऊपर वार करना न शुरू कर दे। और हाँ जी, प्रीतमपुर में क्या हुआ संगठन तो आपस में बैठ करके फैसला करें कि सबको किस दिन संगठन करना अनुकूल रहता है। बदलाव और मूल्य पूरी पूरी वार्तालाप 3 घंटा चलता है तो बैठ करके 3 घंटा सुनेंगे? सबको इतना टाइम है कि 3 घंटे का वार्तालाप बैठ करके सुने? इसलिए बाबा की मुरली ज्यादा सुनो और वार्तालाप आधा घंटे कर दो। जब छुट्टी का दिन हो उस दिन रखना ज्यादा अच्छा है, और बाकी सबकी जैसी सम्मति हो वैसा रखना। बाबा छुट्टी के दिन तो मनमन में क्लास रहता है। छुट्टी के दिन तो मनमन में संगठन, टाइम तो अलग अलग होता है। नहीं, टाइम अलग अलग नहीं रहता, वो सारे दिन छुट्टी का कंपनी वाले रहते हैं। हाँ, कंपनी को संडे के दिन क्या होता है? संडे के दिन छुट्टी रहती है तो मनमन में क्लास करते हैं। हाँ हाँ, तो सारा दिन क्लास करते हैं क्या? नहीं, सारा दिन तो ड्यूटी करते हैं। संडे के दिन नहीं, संडे के दिन तो यही रहते हैं। तो प्रीतमपुर से आने में बाबा 3 घंटा आने में लगता है, 3 घंटा जाने में लगता है। हाँ, तो दूसरा दिन रख लो, तुम्हें रखने की ज्यादा चाव है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। जैसे मधुबन ऐसा है, गीता पाठशाला की टीचर बोलती है ना कि संगठन मासिक क्लास करना है, मासिक का संगठन करना है, करो। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि कब रखना है। तो जैसी सबकी सम्मति हो वैसा कर लो। सब चाहते हैं रखना चाहिए तो रखो, सब चाहते हैं नहीं रखना चाहिए, बस मधुबनी काफी है, इतना ही हम टाइम नहीं दे सकते, तो छोड़ दो। अभी प्रजातंत्र राज्य चल रहा है या राम का राज्य चल रहा है? प्रजातंत्र राज्य चल रहा है। बाबा से तो पूछ नहीं बेकार। ऐसे ही बाबा बाबा मुख से कहते हैं, करते अपने स्वार्थ के काम है।
उसने कहा, बाबा ने कहा कि बाबा हर युग की चार अवस्थाओं के मध्य में आते हैं। तो प्रश्न ही गलत है, हर युग के अंत में आते हैं। अंत में तमोप्रधान स्टेज होगी या मध्य में होगी? अंत में तमोप्रधान स्टेज होगी। तो हर युग की चौथी अवस्था में तामसी स्टेज में प्रत्यक्ष होते हैं, बाकी सबसे जास्ती तमोप्रधान युग है कलयुग, और कलयुग में भी चौथे युग की तामसी स्टेज में जब प्रत्यक्ष होते हैं तब कार्य संपन्न होता है, प्रत्यक्षता शुरू होती है। पहले बच्चों की प्रत्यक्षता और बाद में बाप की प्रत्यक्षता। वही अव्यक्त वाणी में 18 तारीख की अव्यक्त वाणी में बाबा ने ऐसे बोला छत्तीसगढ़ वालों को कि तुम अपने को इंदौर जोन का ही समझो, तो याद है छत्तीसगढ़ वालों को बोला बाबा ने कि तुम अपने को इंदौर जोन का ही समझो। अगर ऐसे बोला है तो इंदौर जोन वालों की बदनामी होती है या सरनामी होती है? छत्तीस का अर्थ क्या है? तीन का मुंह इधर और छह का मुंह इधर, तो लड़ाई झगड़ा होगा या आपस में प्यार बढ़ेगा? तो इंदौर जोन वालों में प्यार होना चाहिए या 36 होना चाहिए या 63 होना चाहिए? 63 होना चाहिए। पहले देखना है कौन सी 18 तारीख की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कैसे बोला है, फिर अगले संगठन में बात रखनी है। जो काशी में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, और जो काशी के बाहर मरेंगे उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। यदि स्थान नहीं है तो उनके मरने का कोई फायदा ही नहीं है, फालतू इतनी मेहनत क्यों करें? बात है काशी में मरने के लिए कोई ने मना कर दिया है क्या? है काशी में मरने के लिए मना किया गया क्या कि काशी में नहीं मरना? कोई ने मना किया? अरे नहीं, ये तो निश्चित है। काशी माने काश्य, काश्य माने याद, याद माने प्यार स्नेह, एक के प्रति स्नेह। उसे एक के प्रति स्नेह में जो मरेंगे
तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क संबंध से, अर्थात देह भान से। तो स्वर्ग में जाएंगे, मरने वालों की संख्या कितनी होगी? ऐसे स्वर्ग में जाने वालों की संख्या कितनी होगी जो देवान से मरेंगे? अरे अभी अभी तो बात हुई थी, साढ़े चार लाख। तो यहाँ बैठने वालों में से कोई ऐसे भी हैं या नहीं है जो काशी में मरना पसंद नहीं करते, बाहर की दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं? तुम बच्चे परमधाम को सृष्टि पर उतार लेंगे। वो परमधाम कहाँ होगा है? अरे वो परमधाम कहाँ होगा? अरे सृष्टि पर कहाँ? माउंट आबू, महामधुबन। तो माउंट आबू में बाप और बाप के आत्मिक स्टेज में रहने वाले, स्थित रहने वाले बच्चे इकट्ठे नहीं होंगे है? होंगे वहां, काशी नहीं होगी, काशी नहीं होगा। वहां काशी को पीने वाला, षष्टि का निर्माण करने वाला कश्यप ऋषि नहीं होगा। कश्यप ऋषि भी होगा, दिति भी होगी और अदिति भी होगी। सभी सुर और आसुरी धर्मों की बीज रूप आत्माएं वहां मौजूद होंगी या नहीं होंगी है? होंगी। तो बाहर में मरने की क्या बात रह गई? बाहर में मरने की बात करना माने बाहर की दुनिया में ही रहने का हमने संकल्प लिया है। ये दुनिया ब्राह्मणों की हमको अच्छी नहीं लगती, प्यार। बाबा के पास इसकी भारी युक्ति है। तो बाहर का प्यार क्या है और अंदर का प्यार क्या है? बोला हुआ है हित अनहित पशु पक्षी उजाना,
मानस तन गुण ज्ञान निधन। हमारा हितैष हितैषी कौन है, हित करने वाला कौन है, कल्याण करने वाला कौन है, और अहित करने वाला अकल्याणकारी कौन है, वो जानवर भी समझ लेते हैं। तो मनुष्य नहीं समझ सकता कि देने वाला हमको अंदर का प्यार दे रहा है या बाहर का प्यार दे रहा है। रही भगवान की बात, भगवान अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरे पे बुरा है या सदैव अच्छा है, है? बुरों के लिए भी अच्छा है और अच्छों के लिए भी अच्छा है, फिर अंतर क्या है? अंतर है अपने अपने कर्मों का। भगवान का कोई दोष नहीं है, जैसा चश्मा चढ़ा हुआ होता है वैसा ही भगवान दिखाई पड़ता है। तिरसठ जन्मों के ज्यादा पाप कर्मों का चश्मा चढ़ा है तो भगवान भी शैतान दिखाई पड़ेगा, और इस दुनिया के जो बड़े से बड़े शैतान हैं, रावण के मुख हैं, वो ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। अब इसको चाहे कह लो भगवान की युक्ति, अंदर का प्यार और बाहर के प्यार की युक्ति कह लो, बाकी भगवान तो अंदर बाहर एक है। हाँ, जिस तन में प्रवेश करता है वो मनुष्य आत्मा है या सदैव का भगवान है, क्या है? मनुष्य ही है। वो अनेक रूप धारण कर सकता है। भगवान तो सभी के लिए प्यार का सागर है। सुख का सागर है, वो सुखी ही देता है और सदाकाल का सुख देता है। फिर दुख किससे मिलता है, है? अरे देहदारियों से दुख मिलता है और विदेही से सुख मिलता है। ये भी अपनी आंख का दोष है या गुण है कि भगवान को हम किस रूप में देखते हैं? शैतान के रूप में ज्यादा देखने की आधी आंख है या भगवान के रूप में देखने की आधी आंख है? आंख भी आधी हो जाती है ऐसे। बाप तो कहते हैं बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, इसे क्या साबित होता है? विदेशी है या विदेशी बनकर आया हुआ है, असलियत क्या है? आया हुआ है। विदेशी है नहीं, और
संगठित सेवा में संगठन बनाकर जो सेवा की जाती है उसमें और व्यक्तिगत सेवा में ज्यादा महत्व किसका है? कौन सा युग चल रहा है? है संगम तो चल रहा है, लेकिन दुनिया के जो वाइब्रेशन है उस हिसाब से कौन सा युग है? उसके लिए गायन है, संगौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में एक की शक्ति काम नहीं करती है। कौन सी शक्ति काम करती है? संगठन की शक्ति काम करती है। और ईश्वरीय संगठन हो तब तो फिर बात ही क्या। आसुरी संगठन में और ईश्वरीय संगठन में विशेष अंतर किस बात का है? जैसे इस्लामियों का संगठन है दुनिया में, सब मुसलमानों की बुद्धि कहां लगी रहती है दुनिया में? कौन सा स्थान है? काबा में। तो कलयुग के युग में सबसे ज्यादा राज्य दुनिया के हिस्से पर किसने किया है? इस्लामियों ने किया, लेकिन वो आसुरी राज्य कहें, हिंसक राज्य कहें या अहिंसक राज्य कहें, ईश्वरीय राज्य कहें, वो आसुरी राज्य है, हिंसा का राज्य है। बाप अहिंसक शक्ति स्थापन करने आए, अहिंसा डबल है। एक काम कटारी की हिंसा और दूसरी स्थूल हिंसा, दोनों प्रकार की हिंसाओं से परे जो अहिंसक बन करके रहते हैं ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, वो व्यक्तिगत सेवा पसंद करेंगे या ब्राह्मणों के संगठन में रहकर के सेवा पसंद करेंगे? व्यक्त अर्थात एक आत्मा अपने शरीर के द्वारा अपने को व्यक्त करती है, प्रत्यक्ष करती है। जो भी इंडिविजुअल आत्मा है वो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा सेवा करेगी या डिस्टर्बिस करेगी? डिस्टर्बिस करती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि मैं बच्चों में प्रवेश करके सेवा करता हूं, बच्चे तो तमो प्रधान है, सेवा नहीं कर सकते, सिर्फ हिम्मत कर सकते हैं। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, लेकिन हिम्मत उन्हीं बच्चों को मिलती है जो पवित्र रहते हैं और याद में रहते हैं। दो डायरेक्शन मुख्य हैं, कौन कौन से? पवित्र बनो, योगी बनो। जितनी जितनी हम प्योरिटी को फॉलो करेंगे, प्योरिटी से यूनिटी अपने आप बनेगी या बनानी पड़ेगी? अपने आप यूनिटी बनेगी, और वो यूनिटी जितनी बनेगी तो वाइब्रेशन हमारे साथ होगा,
या विपरीत होगा, हमारे साथ होगा। उस वाइब्रेशन को लेकर के हम सेवा करेंगे तो व्यक्तिगत सेवा कही जाएगी या सामूहिक सेवा कही जाएगी है? क्या कहेंगे? सामूहिक सेवा करें तो रिजल्ट ज्यादा निकलेगा। कोई भी धर्म पिता जब आता है तो अकेला होता है या उसके साथ समूह होता है, है? कोई भी धर्म पिता जब आता है तो अकेला होता है, व्यक्तिगत होता है या समूह के साथ होता है? समूह के साथ होता है, आते ही अकेला होता है। चाहे सनातन धर्म का बीज सनत कुमार ही क्यों न हो, पहले पहले व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत सेवा करता है। उस सेवा की आवाज ज्यादा निकलती है या जब वाइब्रेशन बन जाता है समूह का तब आवाज ज्यादा निकलती है? वाइब्रेशन जब समूह का बन जाता है, प्योरिटी की पावर जितनी जास्ती बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा समूह की ताकत बढ़ती जाएगी और वो वाइब्रेशन काम करेगा। इसलिए बहुत से ब्राह्मणों का मंतव्य है कि हम अपने घर में बैठ करके याद करेंगे, सेवा करेंगे, गीता पाठशाला में हमें जाने की दरकार नहीं है, मधुबन में जाने की दरकार नहीं है। शिव बाबा कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये व्यक्तिगत सेवा से फेल हो जाएंगे। बाप हमारे साथ है तो बाप के साथ हमारा परिवार भी है। परिवार को छोड़ दें, लात मार दें और बाप को ग्रहण कर लें तो चलेगा? बाप स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा। और है दो नहीं पूरा करें, माताओं को रहम आ रहा है बाबा के। चलो।